तो पुणात्माओं, अब आप जी को वो कथा सुनाते हैं कि परमात्मा आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं। उनमें से एक आदरणीय धर्मदास साहिब जी थे। कल के सत्संग में आपको बताया कि धर्मदास जी मथुरा के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी जहां कभी रहे थे कुछ दिनों, वहां उनके गुरु द्वारा बताए अनुसार मोक्ष उद्देश्य से उस मथुरा के जोड़ में नहाने के लिए गए थे और उसको पुण्य मान रहे थे। उधर से वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा के इस अंधेरे को हटाने के लिए, अज्ञान को नाश करने के लिए, अनुपासना से पीछा छुटवाने के लिए, काल के जाल से बचाने के लिए एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वहां उपस्थित हुए। जैसा कि अभी आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 में सुना कि वो परमात्मा, उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और वो परमात्मा भासमान शरीर को प्राप्त होता है और वो परमात्मा तीन प्रकार से रूप धारण करता है दूसरों के कल्याण के लिए। एक रूप में तो सतलोक में रहते हैं अपने ओरिजिनल शरीर में और दूसरी छठी उनके यहाँ शरीर धारण कर प्रकट होने की है, शिशु रूप धारण करके आते हैं। और तीसरी यह है कि वो जब चाहे तब प्रकट हो जाते हैं अन्य रूपों में। गरीबदास जी कहते हैं, अनंत कोट अवतार है ये नौ चित्त में बुद्धि नासी, खालक खेल खलक में है छह ऋतु बारह मास। के उस परमात्मा के तो अनंत अवतार हैं, अनंत बार यहां प्रकट होता है, असंख्य बार। और ये नौ चित्त में बुद्धि नाश यानी बुद्धिहीन लोग केवल नौ ही अवतार मानते हैं और वो खलक खेल खलक में, ये इन नौ अवतारों को ही भगवान मान रहे हैं। उस परमात्मा के अनंत अवतार हैं और वो खलक खेल खलक में छह ऋतु बारह मास। और भगवान क्या बताते हैं, जहां जन की महिमा सुनो ताम गमन करंत, वो तो नगर निश्चिंत बसो जहां मेरे प्यारे संत। अब जो वेद बताते हैं वो परमात्मा गति करके आता है और हमारे आध्यात्मिक यज्ञ में आता है, आध्यात्मिक अनुष्ठानों में भी वो गुप्त रूप में रहता है और अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। और वो परमात्मा स्वयं भी कहते हैं, जहां जन से महिमा सुनो, जहां मेरी महिमा चलती है, जहां मेरा ज्ञान प्रचार होता है, तहां मैं गमन करंत, वहां मैं पहुंच जाता हूँ एक पल में, पहुंचूंगा क्षण एक में, जन अपने के काज हरणक सिपो जो मार दू और नरसिंह धरनु साज। तो यहां परमात्मा कहते हैं, जहां जन से महिमा सुनो तहां मैं गमन करंत, वहां पहुंच जाता हूं गति करके। और वो तो नगर निश्चिंत रहो जहां मेरे प्यारे संत, जहां मेरी प्यारी आत्मा है, कहते हैं उस नगरों को भी हानि नहीं होने दूंगा। पवित्र बाइबल में लिखा है, एक जगह कहते हैं एक व्यक्ति के पास भगवान पहुंच गए और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे उस नगर में बहुत हाहाकार मच रही है और लोग अन्यायी हो गए हैं, उस नगर को मैं नाश करूंगा। तो उस भगत ने पूछा कि प्रभु, यदि उस नगर में आपके 10 भगत होंगे, क्या तुम फिर भी उनको नाश कर दोगे? कि नहीं, यदि मेरे 10 भगत भी होंगे तो भी उस नगर को मैं नाश नहीं करूंगा। फिर पूछा कि वहां आपके यदि 2 भक्त होंगे तो भी नाश कर दोगे? कि नहीं, मेरा 1 भक्त भी होगा तो भी मैं उस नगर का नाश नहीं करूंगा। तो पुणात्माओं, यहां वही परमात्मा कहते हैं, जहां जन की महिमा सुनो तहां मैं गमन करंत, और वो तो नगर निश्चिंत रहो जहां मेरे प्यारे संत। पुणात्माओं, एक भक्त के कारण भी एक नगरी बसी रहती है तो वह कितने निकम्मे आदमी है। तो इसलिए कहते हैं, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो परमात्मा हर युग में रहते हैं, हर पल में रहते हैं, लेकिन वो उसमें उनका जो सतीथी होती है वो गुप्त रहते हैं, उनको कोई पहचान नहीं सकता। ना तो आग ला दे काल यहाँ पे, वो परमात्मा इस जो है जलते हुए काल के लोक में
बर्फ का काम करते हैं यहाँ, और परमेश्वर ने प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना एक गुप्त स्थान बना रखा, जैसे राजदूत भवन होता है, और वहां रहने से भी हमें बहुत राहत यहाँ मिल रही है। तो पुणात्माओं, ये काल है, और काल आपने देखा होगा गीता जी में अपना विकराल शरीर दिखाता है, रूप दिखाता है, जो अर्जुन जैसे योद्धा भी कांप जाते हैं, थर थर कांप रहे होते हैं, और उसने हम भगवान मान रहे थे।